शिवपुरी के पोलो ग्राउंड में 13 तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन की तैयारियों को लेकर आज कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने किया। शिवपुरी जिले में संभाग स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री और विधायक यशोधरा राजे सिंधिया ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह से कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जानकारी ली और व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संभाग स्तरीय कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में हितग्राही और क्षेत्र की जनता मौजूद रहेगी, इसलिए ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू होना बहुत जरूरी है। इसके लिए अभी से प्लानिंग करें। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को नोडल बनाकर अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है, वह उसका निर्वहन करें और सभी तैयारियां सही ढंग से होना चाहिए। कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी जिसमें विभिन्न विभागों की योजनाओं पर आधारित फोटो गैलरी रहेगी। कार्यक्रम स्थल और पार्किंग स्थल सभी जगह पर पेयजल की व्यवस्था व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। 50 को तो मिल रहा है, 10 को तो मिल रहा है, 15 को तो मिल रहा है, हमारे तो अटेम्प्ट है। और अगर हम हर महीने करेंगे और आपको 10-15 हर महीने छोटी छोटी जिलों में मिलेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आज रोजगार हम अपने लोगों को दिलवा पा रहे हैं। तो यूथ को क्या कर रहे हैं, अब यूथ का हम सम्मेलन कर रहे हैं, अभी जनवरी में बहुत बड़ा सम्मेलन होगा प्रवासी भारत के बारे में, और उसमें जो आइडियाज़ हैं मुख्यमंत्री के वो हम लाएंगे सामने यूथ के लिए, ताकि यूथ भी सोचे कि ये पार्टी और ये सरकार हमारे लिए क्या कर सकती है। सीएम का बड़ा कार्यक्रम है शिवपुरी में, संभागीय कार्यक्रम है, तो शिवपुरी को लेकर या संभाग को लेकर कोई बड़ी घोषणा कार्यक्रम हो रहे हैं? घोषणाओं के लिए नहीं, पर जो उनका जनसेवा अभियान चल रहा है वही बात जो मैं कहती हूँ कि आज हितग्राही को मालूम नहीं है कि कौन दे रहा है, क्या दे रहा है। आयुष्मान कार्ड मैंने दे दिया, हॉस्पिटल में हॉस्पिटल ने आपको फ्री फंड दे दिया, पर क्यों, कैसे, किसने किया, किसका आइडिया थी, किसका सुझाव था, ये भी कभी सोच सकता है आदमी? नहीं। पर ऐसे ही जनसेवा में कम से कम 20-25 हज़ार हितग्राही मिलेंगे उस दिन। और मुख्यमंत्री कहते हैं, और वही सही है, क्योंकि हम लोग जब प्रभारी मंत्री होने के नाते हम लोगों को दो दो एक्स्ट्रा जिले दिए गए, तो हम लोग, मैं कटनी गई और कटनी में मैं हितग्राहियों को अपना पैसा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।